वहीं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पिछले सप्ताह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में औसतन 2.31% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बिजली दर में हुई वृद्धि के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस की आलोचना करते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना था हमारा, तो उस समय के मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी, वहां पर उन्होंने बहुत सारे IAS ऑफिसरों को बुलाया, बहुत अनुभवी लोगों को बुलाया और ये पूछा कि हम तत्काल और बहुत ही इफेक्टिव ढंग से अपनी जो आय है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या स्रोत है हमारे पास। सबसे पहले तो उन्होंने सब निष्कर्ष निकला कि हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, जिसे हम दूसरे राज्यों में बेच के हम आय प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बना है तब से उससे पहले से छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, आज तक सब सरप्लस बिजली है, जितना उत्पादन होता है उससे कम ही खपत होती है हमारी। उसके बावजूद भी भूपेश सरकार ने 2 बार बिजली के बिल बढ़ाए, अभी फिर से 10 पैसे प्रति यूनिट घरेलू में और 15 पैसे प्रति यूनिट कमर्शियल में बढ़ा दिया। तो ये एक तरफ तो आप बोलते हैं, अपने घोषणा पत्र में बोलते हैं कि हम बिजली बिल माफ कर देंगे और 200 यूनिट तक लाके उसको स्टॉप कर देते हैं, और दूसरी तरफ आप बिजली की दरें बढ़ाए जा रहे हैं, कटौती किए जा रहे हैं। कटौती करने की जरूरत क्या है जब एक्सेस बिजली है? कटौती करने की इसलिए जरूरत है, इसके पीछे की कहानी यह है कि बिजली विभाग को देने के लिए, बिजली विभाग का खर्चा उठाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। वो यहां पर भी बिजली दे के ये सब चीजें हो जा सकती है, लेकिन उनको यहां की बिजली काट के जो बाहर में महंगी बिजली बेचते हैं उससे आय जो प्राप्त होती है उससे ये अपना मेंटेनेंस करते हैं। अर्थव्यवस्था के तौर पे 90,000 करोड़ जहां पर छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा हो चुका है, 3.5 साल में इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए कर्जा ले चुके हैं, और जब 2018 में तक 30,000 करोड़ ही छत्तीसगढ़ के ऊपर कर्जा था। ये बहुत ही ज्यादा विस्फोटक स्थिति हो चुकी है, और भी भयानक स्थिति आ सकती है, और भी हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के दाम और बढ़ जाए। तो इसमें हम आग्रह करते हैं कि भूपेश सरकार इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे और इस स्थिति को संभाले।